सो फाइनली दोस्तों इंतजार हुआ खत्म और JNU का एंट्रेंस एग्जाम का ऑफिशियल अपडेट जारी कर दिया गया है, उस बारे में बात करेंगे। तो हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म, माय नेम इज जितेंद्र गोस्वामी। तो दोस्तों JNU काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आप लोगों को पता ही होगा और इसके फाइनली एंट्रेंस एग्जाम की एक नोटिस जारी कर दिया गया है। थोड़ा बेसिक मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, ये JNU है, ये PhD एंट्रेंस एग्जाम का आया है, ठीक है, जहाँ पर फॉर्म दोस्तों स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट है 20 नवंबर तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम आपका दिसंबर में होगा 7, 8, 9 तारीख को। दोस्तों इस बारे में और बात करते हैं और एक चीज मैं बताना चाहूँगा, जो एग्जाम होगा वो आपका ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। जो आपका एग्जाम होगा वो ओनली दोस्तों इंग्लिश में होगा और ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। चलिए अब इसके पूरी एक बार डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एग्ज़ाम है भैया, ये आपका दिल्ली सेंटर में भी आ सकता है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे, काफ़ी लोग कमेंट भी करेंगे, मेरे को पता है। फीस की बात करते हैं तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 3 चॉइस दी गई, तो अगर आप फर्स्ट चॉइस में जाओगे तो आपके दोस्तों यहाँ पर 600 पे करना पड़ेगा जनरल वालों को, और ST SC वालों को 350 रुपये पे करना पड़ेगा। पेपर कितने घंटे का होगा, तो दोस्तों जो पेपर है आपको 3 घंटे का होगा, 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 शिफ्ट होगी। फर्स्ट जो सेशन होगा दोस्तों वो 8 से 9:30 से 12:30 रहेगा, वहीं जो सेकंड लाइक सीजन रहेगा वो 2:30 से लेकर दोस्तों 5:30 रहेगा, ठीक है। तो ये टाइम होगा कि भाई 3 घंटे का पेपर होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल गई। फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन फिल करना है, ठीक है, ऑफलाइन फॉर्म फिल नहीं होगा और एग्जाम भी आपका ऑनलाइन ही होगा। इस एग्जाम को दोस्तों करा रहा है NT करा रहा है, जो आपके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, NT एग्जाम कराएगा। आप इसको थोड़ा डीपली समझते आपको पता लग गया कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 है, ठीक है। इंग्लिश में पेपर होगा। अब बात करते हैं सिलेबस, आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको दोस्तों सिलेबस देखने को मिल जाएगा, उस बारे में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो देखिए बहुत ही सिंपल सिलेबस नहीं दिया गया, जनरल है, स्कूल है, प्रोग्राम से, तो इनके सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, बेसिक बेसिक चीज़ें नहीं, ठीक है, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इसकी, ठीक है। अब बाकी बात करते हैं आगे, अगर हम लोग बात करें दोस्तों इस पर, ठीक है, इसमें देखिए जो 8 लाख रुपए तक का कुछ दिया गया है, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। कौन अप्लाई करेगा, तो देखिए सिंपल सा भैया, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। जनरल जो कैटेगरी है वो सब्जेक्ट क्वालिफाई पे रहेगा, उसको हम लोग आगे क्वालिफाई करते हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिंपल सा मेंशन किया गया है कि जो आपका क्वालिफाई का रहेगा उसको इन्होंने थोड़ा आगे एक्सप्लेन किया है, उसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। देखो मेरी गलती नहीं आ रही, PDF पता नहीं कैसे बनाई है इन लोगों ने, ठीक है। काम की चीज़ें तो बाद में दी नहीं इन लोगों ने, एडमिट कार्ड दे दिया क्या ये PDF में, भाई साहब। यस, अब बात करते हैं भैया इसके जो सेंटर है वो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, हर जगह है। जयपुर की अगर मैं बात करूँ तो जयपुर में भी इसकी सेंटर आपको राजस्थान में भी देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो राजस्थान में भी अजमेर, अलवर, वेरी गुड, कोटा में आपको सेंटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। PhD आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए PhD का जो डेट है वो 21 नवंबर को सीजन स्टार्ट होगा, ठीक है, वो भी यहाँ पर दे दिए 21 को, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने मास्टर किया है वो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेगा, जिन्होंने मास्टर किया वो यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसका जो ऑफिशियल अपडेट है वो आपको अभी ये जो PDF है वो आपको सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।